नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को कौशाम्बी की सरासू सीट पर प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद पहली बार शनिवार को अपने क्षेत्र पहुंचे थे, जहां एक ओर उनका जमकर स्वागत हुआ तो वहीं कौशाम्बी के किसवैया गांव में उनकी बिरादरी की महिलाओं ने विरोध किया। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बीजेपी और कसौगा गांव में काम न करवाने की वजह से विरोध है, लेकिन जब वीडियो की सच्चाई की तफ्तीश की गई तो उसके पीछे वजह कुछ और निकल कर आई। कौशाम्बी की सरासू की इस वीडियो में वास्तविकता यह है कि जिला पंचायत सदस्य के पति अजय सिंह 3 दिनों से लापता है, जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पास के थाने में दर्ज कराई गई थी। इस परिवार से मिलने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को पहुंचे थे। उस दौरान प्रदर्शनकारी महिलाएं पुलिस के कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं थी। उस दौरान नारेबाजी भी महिलाओं ने की। राजेंद्र राजेंद्र राजेंद्र।